अलवर के पेनान के रहने वाली एक महिला लक्ष्मी देवी मीणा सहित अलवर के लोगों से प्रधानमंत्री ने वीसी के जरिए बात की। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वीसी का वो नजारा जब लक्ष्मी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और सीधे सीधे लक्ष्मी देवी से नरेंद्र मोदी ने बात की। पर राजस्थान श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, आपने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया है, मैं सुनना चाहूंगा कैसा रहा? बहुत अच्छा। हाँ बताइए क्या हुआ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। बहुत अच्छा है, खूब डोलू, घर के काम करती हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा करा था हमने, खेती क्यारी में काम करता है, खेती में पानी नहीं रहता है तो मैं शुरू में कहीं 3-4 से साल से दुख पाती हूँ, घुट आतिन से चलती हूँ धरती में, जब फिर दुख दुख चलती हूँ, रोती हूँ, जब खेती में भी काम करवा जाती हूँ, जब खेती में कभी घर आती हूँ जब रोती हूँ, जब फिर चलती, जब बेटा ने नुखी जिस तरह ऑपरेशन करा दूँ, 4 लाख रुपये मांगे थे, जब मैंने नुखी में नहीं कराऊँ, मैं तो घर खेती में तो कमाई नहीं, पानी नहीं, काई में देगो बेटा तू, जब मैं तो बैठी, जब आपने आम मिलाऊ ने छूट दिए, जब अखबार में सुनिए, जब मैंने ऑपरेशन कराए, बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत अच्छा बढ़िया काम करा, भगवान का मैं तो डांगर साहब को भगवान समझू, मोदी को भगवान है मेरे लिखित मोदी जी। लक्ष्मी देवी जी देखिए, आपने एक तो ये अच्छा काम किया और आपकी बात सही है कि पहले जब बहुत महंगा था तो आपने दर्द सहन कहा, आप रोती रही, दर्द के साथ भी आप काम करती रही और आपने सोचा कि बच्चों को कर्ज में नहीं डालना है, बच्चों पर बोझ नहीं डालना है। आपके बच्चे इतने अच्छे हैं कि आपकी माँ की चिंता करने के लिए वो खर्च करने को तैयार थे, लेकिन आप माँ ऐसी हैं कि बच्चों से पैसे का कर्ज न हो जाए इसकी चिंता करती थी, दर्द सहन करती थी। मुझे आज इतना आनंद हुआ कि सरकार की एक योजना ने एक माँ के दिल को जीत लिया और वो माँ जिसने अपने बेटों के लिए दर्द सहन करना तय किया था और ऑपरेशन नहीं करवा दे, सस्ता हो गया तो माँ ने ऑपरेशन करवा दिया, अब आप चल फिर रही हैं, खेत में काम कर रही हैं, आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश। लक्ष्मी देवी जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ और ईश्वर आपके परिवार को सलामत रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको आशीर्वाद दूं, बहुत अच्छा करें। धन्यवाद जी। लक्ष्मी देवी वो महिला है जिसके घुटने की प्रॉब्लम के इलाज पर निजी अस्पताल में करीब 4 लाख रुपए का खर्चा बताया था और वह इसमें सक्षम नहीं थी कि इतने पैसे खर्च कैसे करे। उसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानकारी मिली, उसके तहत उसने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सिर्फ 60,000 रुपए में इलाज कराया। महिला इलाज कराने के बाद अलवर पहुंची, यहां प्रधानमंत्री की वीसी में शामिल हुई और मोदी जी की तारीफ की। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत एक महिला लाभार्थी हमारे अलवर की हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया और क्या परेशानी थी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा जी आपको क्या तकलीफ थी? क्या तब 100 दिन झट जाए जी और फिर दुख हो रहा बहुत। तो क्या डॉक्टरों को दिखाया, कितने पैसे बताए, क्या खर्चा बताया गया था आपको? परेशान घुटने से चले को जाओ, जब फिर वहाँ में दो ले चार हाथ पगन सू, जब बेटा ने नुखी ऑपरेशन कराऊं जी जी जी, जब ऑपरेशन की खी, जब नुकमा का पैसा है 3-4 लाख है, जब जब मैं नटगी, मैं खेती में वो पानी नहीं, खेती में कमाई नहीं होती है, पैसा कहाँ से देगा गरीब आदमी आपा, मैं तो बैठगी, जब जो मोदी जी ने छूट दिए और जब जो अखबार में सुनिए और जब जा रखे ने जो कराए करा रखे ने, बहुत अच्छा होगा मेरा तो, मोदी जी मैं तो भगवान जानू। 4 लाख रुपए खर्चा बताया था, अब कितना खर्चा आया? अब तो 60,000 आया जी। अब चलने फिरने में कोई तकलीफ?
कोई तकलीफ नहीं, पर सोच ना है। तो आज आज जो चर्चा हुई वीडियो पे, आपने मोदी जी को देखा तो कैसा लगा कि अलवर के लोगों से वो बात कर रहे थे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ऋषि, माई बहन को सबको। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मौके पे मोदी जी के लिए, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनको शुभकामनाएं देना चाहोगे ऐसे काम करने के लिए? भाई मैं क्या कहना चाहूँ, मैं तो भगवान आपको सही राखे, उसको हम सब बहुत वही बने रहे जी, वही बने रहे और भलाई वाको और बन गया। हम आपको यही बताना चाहते हैं, ये जो महिला है पिनान की है, लक्ष्मी देवी मीणा है, जो इस योजना का उन्होंने लाभ उठाया और 4 लाख रुपए से ज़्यादा जो घुटनों के इलाज में खर्चा आना था उसमें मात्र 60,000 रुपये में इनका इलाज हुआ और आज ये मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं कि इस तरह की योजनाओं से उन्हें लाभ मिला है।